हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतनी ज़्यादा बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, आपके बहुत सारे पैसे की भी बचत होगी और सबसे बड़ी बात कि आप ये सोचेंगे कि ये टिप हमें पहले क्यों नहीं पता थी। तो आइए बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो। तो जो हमारी सबसे पहली वीडियो है ना, मतलब जो सबसे पहली टिप है, वो इस तरह के बोल को लेकर के है कि जब कभी भी हम कोई तरी वाली चीज़ें बनाते हैं या फिर हम कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि थोड़ी सी फ्लोई होती है और थोड़ी सी लिक्विडी होती है, तो उसमें अगर स्पून डालते हैं ना इस तरह से, तो वो बार बार सरक करके बोल के अंदर गिर जाता है। तो चूंकि ये हमारा जो बोल है ना वो छोटा है और स्पून तो इसमें पूरी तरह से नहीं डूब पा रहा है, लेकिन जब कभी भी आपके पास बड़ा बोल होगा ना तो आप इस तरह से स्पून डालेंगे तो वो पूरा ही गिर करके उसमें डूब जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सलूशन मेरे पास है, बहुत ही बेहतरीन सलूशन है। तो देखिए, हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इस तरह का रबड़ बैंड ले लेना है जो हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। ये मिठाइयों के डब्बों में मिल जाता है, तो आप उसको फेंका ना करें, उसको संभाल के रखा करें। अब हमें क्या करना है कि जहाँ भी हमको इसको स्टॉप करना है ना, इस स्पून को, उसके वहाँ आप इसे लगा दीजिए। तो देखिए, हमको बिल्कुल मिडल में इसको स्टॉप करना था, तो हमने मिडल में लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप करें, तो आप इसको जो रबड़ बैंड है इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दीजिएगा, तो वो उतने पे ही रुका रहेगा। देखिए, आप ऊपर से भी इसे छोड़ेंगे ना, फिर भी ये सरक के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो रबड़ होता है ना, इसमें बहुत अच्छी ग्रिप बनती है जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं होता और एक जगह स्टक रहता है। देखिए, हमने इसको ऊपर भी लगा करके दिखाया, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है लेकिन सलूशन बहुत छोटा सा है। मैं होप करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। आइए देख लेते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप ना इस तरह के इलायची को लेकर के है कि कुछ भी आप मीठा बना लीजिए, चाहे तो आप चाय बनाइए, सेवैयाँ बनाइए, खीर बनाइए, तो वो बिना इलायची के तो कम्प्लीट ही नहीं होता है। तो यूजुअली क्या करते हैं कि जब इलायची की ज़रूरत पड़ती हो तो इसको हम छील लेते हैं, छीलने के बाद क्या करते हैं, इसकी गिरी तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो इसका छिलका होता है ना उसको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। तो आज के बाद से ना आप इसे फेंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, आप इसको रखिए और इसको जो आपके घर में जो चाय पत्ती होती है ना, आप उसके जो बॉटल है उसके अंदर डाल करके रखिए। इतनी अच्छी खुशबू होती है इस चाय पत्ती के अंदर कि आपको एक्स्ट्रा इलायची डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो छिलका है ना वही अपना कमाल दिखाएगा। तो इस तरह से इसमें डालिए, अच्छे से मिक्स करिए, डब्बे को बंद करके रखिए। जब कभी भी आपको चाय बनानी हो तो आप जैसे आप यूजुअली चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं वैसे आप इस्तेमाल करिए, फिर आपका जो चाय है वो भी बन जाएगा और जो ये छिलका है ये भी बहुत सही तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए देख लेते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप इस तरह के ना बेलन को लेकर के है कि बेलन का इस्तेमाल हम रोज़ ही करते हैं रोटी चपाती परांठे पूरियाँ वगैरह बनाने के लिए, लेकिन कभी कभार ये होता है ना कि इसके अंदर जैसे आप इसको वॉश करेंगे तो इसमें पानी घुस जाता है या फिर आप पूरे बना रहे हैं तो इसमें तेल भी घुस जाता है। तो इस तरह से आप क्या करिए ना कि फ्लेम अपना जो गैस का है उसको ऑन कर लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा सेकिए। जैसे ही आप सेकेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से ना कुछ बबल्स से निकलेंगे और कुछ ऑयल ऑयल सा निकलेगा। आप क्या करिए कि इसको टिश्यू पेपर ले लीजिए और उससे साफ़ कर लीजिए। मतलब ये प्रोसेस आप करते रहिएगा 1 से 2 मिनट तक, आप देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी मॉइस्चर होंगे ना, क्योंकि जब विंटर का सीज़न आता है तभी भी ये प्रॉब्लम होती है और जब मॉनसून आता है उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है और इस तरह से ना बेलन में बदबू आ जाती है। तो आप इसको ना इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे ना तो इसकी जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा और इसके अंदर जितनी भी बदबू वगैरह है ना वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो मैं होप करती हूँ कि ये जो टिप है ना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। आइए देख लेते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप इस तरह के चीनी के डब्बे को लेकर के है और शहद के डब्बे को लेकर के है, क्योंकि मीठी चीज़ों को ना चींटियों से बचाना इतना बड़ा मुश्किल होता है कि
हर जगह चींटियाँ, चाहे सीज़न कोई सा भी हो, सर्दी गर्मी बरसात, मतलब चींटियों का और मच्छरों का, इन दो चीज़ों का आतंक ना बिल्कुल हमारे घर से बाहर नहीं होता है। तो देखिए, जब कभी भी आपको शहद या तो चीनी स्टोर करनी होगी ना, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले एक टिश्यू पेपर ले लीजिएगा और उसके ऊपर ना थोड़ा सा, यानी कि एक चम्मच के आसपास, आप इसमें वाइट विनेगर जो होता है, जो जिसको हम सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं, जो चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल किया जाता है, एक चम्मच ही लीजिएगा। इसको अच्छे से इस टिश्यू पेपर पे रखिएगा और ये जितने भी आपके पास मीठी चीज़ों का जो डब्बा है ना, जैसे कि ये चीनी का डब्बा हो गया, इसको अच्छे से इसके ऊपर भी स्पॉन्ज करिएगा और इसके साइड में भी स्पॉन्ज करिएगा। ये इतनी बेहतरीन चीज़ होती है ना कि इससे चींटियाँ तो मतलब कोसों दूर भागती हैं। ज़रा सी भी इसकी स्मेल आएगी ना तो ये इसके पास बिल्कुल भी नहीं भटकेगी। आप कहीं भी इसको रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए, हमने जैसे चीनी के डब्बे को स्पॉन्ज किया ना, वैसे ही हम ये शहद के डब्बे को भी कर रहे हैं। शहद का देखिएगा, ज़रा सा भी खुला मिल जाता है ना, फिर इसमें चींटियाँ अपना धावा बोल देती हैं और फिर वो जो शहद होता है ना, वो खाने लायक नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो थी आज की, वो आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल रही, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।